सब लोग हैं मध्य प्रदेश की खास खबर का, तो नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के इस खास और अहम खबर पर। मध्य प्रदेश के जिला देवास खातेगांव में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश ब्लॉक खातेगांव नगर व क्षेत्र के समस्त प्राइवेट स्कूलों का सम्मान समारोह एमराल्ड पब्लिक स्कूल में किया गया। सभी स्कूल संचालकों को शुभकामनाएं दी गई। प्रदेश सचिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के संतोष शर्मा ने सभी को शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि खातेगांव नगर पंचायत अध्यक्ष नीलेश जोशी, पीसीसी सदस्य सुनील यादव, एमराल्ड स्कूल डायरेक्टर आशीष बथोले, जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, एन के गुर्जर, प्रदेश प्रभारी विश्वकर्मा गुरुजी, प्रदेश समन्वयक शैलेंद्र हतेल, अवध नारायण मालवीय, संजय शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष कन्नौद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का मार्गदर्शन स्टाइलिश पब्लिक स्कूल के प्रदीप खंडेलकर ने किया और इस दौरान कार्यक्रम का संचालन आचार्य ओपी शर्मा, हिमांशु जोशी ने किया। आभार विनोद पटेल द्वारा माना गया। सरकार से हमारी जो भी समस्याएं रहती हैं उनको हम बनाएं और स्कूल से रिलेटेड आजकल देखते आ रहे हैं कि हर दिन नए नए नियम स्कूल से संबंधित आते हैं, आर्ट से संबंधित है। बच्चों उनके तीन साल से पढ़ रहे हैं, उनके आधार अपडेट नहीं हुए, उनकी फीसेस नहीं आ रही है। साथ ये है कि आज हमने स्कूलों का सभी जितने भी हमारे खाते हैं ब्लॉक में प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूल संचालकों का सम्मान समारोह रखा और ये कार्यक्रम और संगठन जिसके लिए सभी स्कूल एकत्रित रहें, एक साथ रहें, अपने आवास शासन तक पहुँचाना तो एक साथ पहुँचाएँ। शिक्षा जगत के क्षेत्र में, हम समाज के क्षेत्र में, देश की उन्नति में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हर तरह से देश के साथ रहें और तरक्की में अग्रवादी बने। दूसरी चीज़ की कोई से भी स्कूल में अगर ऐसे कोई छोटी मोटी समस्या होती है तो संगठन के माध्यम से उसको दूर करें, क्योंकि एक संगठन का माध्यम होता है कि संगठन साथ रहे, संगठित रहें और नगर, देश, गांव सबका इसमें अपना योगदान देते हुए देश की तरक्की में संपूर्ण तरीके से अपन कार्य करें, यही हमारा संगठन का उद्देश्य है। 52 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई संगठन की बात नहीं है। और ये जो संगठन आपने बीते हुए दिन में देखा है, सबके देवास जिले तक है, इसके आगे ये संगठन नहीं है। प्रांतीय और जितने भी उनके पदाधिकारी हैं पूरे देवास के हैं, इसके अलावा कहीं नहीं, जबकि प्रांतीय संगठन का मतलब होता है। इस बार संगठन ने एक नया चेहरा अध्यक्ष के रूप में दिया है। परिवर्तन होना चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए। हम लोग, मैं ब्लॉक अध्यक्ष पहले था, उसके बाद हमने सोचा कि नई टीम बना, एक अच्छी सोच के साथ बना। ये नहीं कि चार लोग एकत्रित हो गए पकड़ पकड़ करके हम अध्यक्ष बनाए कि ये बनाए, तो आप लोग के साथ उस बाइट तो आपने ली थी और गए थे उस कार्यक्रम में। कार्यक्रम किस तरीके के होते हैं ये आज आपने देखा, लोगों के साथ हमारे कैसे समन्वय है, कैसे व्यवहार है, ये भी आज आपने देखा। लेकिन सम्मान अगर आप किसी का करोगे तो सब आए, जो लोग वहाँ पर थे वो भी हमारे भाई बंधु हैं। हमारा, मैं कहता हूँ कि दुश्मन भी अगर हमारे घर आते हैं तो हम उसका सम्मान करें, ये हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म है जो हमें सिखाता है। और फिर लोग अलग अलग तरीके के संगठन बनाए, ठीक है, कुछ दिन के लिए रहेंगे,